हिंदू शास्त्र में कई ऐसे नियम हैं जिन्हें करने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है, वह लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख। मोर के पंख के बारे में सभी जानते हैं। मोर पंख पैसे की आवक भी बढ़ाता है, वो बहुत सारे शुभ परिणाम भी देता है। आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़े अचूक उपाय। यह मोर पंख श्री कृष्ण के मस्तक पर भी धारण होता है। मोरपन दिखने में जितना सुंदर रहता है उतना ही प्रेमी जोड़ों में मधुरता बनाने का भी उपयोग में आता है। मोरपंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो पति पत्नी के बीच मन मुटाव जो भी चल रहा हो उसके अंदर कमी होती है। इसी के साथ मोरपंख के बारे में अधिक जानते हैं उज्जैन के पंडित से। दिशा व महत्व। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले रक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोणितम वेणुकरे वेणुकरे कंकर सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाय स्थितो परिवेष्टितो विजयते गोपाल चुरा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए, उसके क्या प्रभाव है। वो मोर पंख को बेडरूम के अंदर उत्तर पश्चिम के कोने में रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति के संबंध में मधुरता आती है। वह जो है कि मतलब एक संबंध अत्यधिक मजबूत रहता है, क्योंकि मोर पंख की जो उपलब्धि है वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। वह मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण करा था, उस मोर पंख का सनातन धर्म में बहुत अच्छा बहुत बड़ा विधान है। जो भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक पर धारण करा था उसे आप यदि अपने बेडरूम में रखते हैं और उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में रखते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे।